टू का सेकंड का सेकंड सम, ठीक है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान सम है ये। कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। कोई खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है, खिलौने बनाती है एक दिन, ठीक है। कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। कहता है एक दिन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डे है, उस दिन उसने जो खिलौने बनाए हैं उसके एक खिलौने की जो कीमत है वो क्या है कि उसे से जितने खिलौने बनाए हैं, मान लो 100 खिलौने बनाए हैं, तो उसको क्या करना है, 55 में से माइनस कर दो तो एक खिलौने की कीमत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपए। जो उस दिन खिलौने जिसने बनाए फैक्ट्री में, उसने जो सारे खिलौने की कॉस्ट है वो 750 रुपए है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। बताना है इनमें उस दिन पर्टिकुलर डे जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उसे उसने कितने खिलौने बनाए होंगे, ठीक है। बहुत आसान है, चलो सॉल्व करते हैं। कहते हैं लेट, पहला स्टेप क्या, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान लेते हैं उस दिन कितने खिलौने बनाए थे उन्होंने, एस खिलौने बनाए थे, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी। सिंपली सारे खिलौने की कीमत कितनी है, 750 रुपए। एक खिलौने की कीमत क्या है, एक्स इक्वल टू डिवाइड, ठीक है, जितने नंबर ऑफ खिलौने बने हैं उससे टोटल कॉस्ट पर डिवाइड कर देते, एक खिलौने की कीमत आ जाती है ना। चलो आगे, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो क्या दी गई है कि 750 अपॉन एक्स क्या है, एक खिलौने की कीमत है। टोटल 750 रुपए की कॉस्ट आई है उस दिन, ठीक है, बनी है, और टोटल खिलौने तुम्हारे पास एक्स बने, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल से तभी तक खिलौने की कीमत आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अब मैं कह रहा हूं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अगर एक खिलौने की कीमत पता करनी है तो दूसरा मेथड भी हमारे पास क्या है, कहता है 55 कर दो माइनस जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने हैं, एक खिलौने की कीमत आ जाती है। क्या कहता है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो उस दिन कितने खिलौने बनाए थे हमने, एक्स बनाए थे, 55 माइनस एक्स कर देते एक खिलौने की कीमत आ गई। ये भी खिलौने की कीमत, ये भी खिलौने की कीमत, दोनों मतलब बराबर है। तो देखो क्या करना है, 750 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, ठीक है, सॉल्यूशन करें इसका, ठीक है, ये एक्स उधर चला जाएगा, मतलब 750 इज इक्वल टू एक्स आ गया, 55 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, 750 इज इक्वल टू 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको सिंपली रीअरेंज कर दें, क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स इक्वल टू 750, इसको इधर लिख दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया। अब क्या है, माइनस को मैंने कॉमन निकाल देना, अभी नहीं है, 750 को इधर लिख आता हूं, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स और माइनस का 750 इक्वल टू 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके आगे यहां पे कर रहा हूं सॉल्व आपका। उसके बाद देखो माइनस को मैंने निकाल दिया, कॉमन साइन लो, ऑपोजिट कर दिया मैंने सारे, एक्स स्क्वायर कर दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस का कर दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस का था इसको मैंने प्लस का कर दिया, 750 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं तो सारे साइन अंदर वाले उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। चलो आगे क्या आपके पास, ये आगे स्टेटमेंट, अब इसको हम सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बना लेते हैं 750 का, ठीक है, पहले 5 पे लेके जाए, चलो 2 पे लेके जाते हैं, 2 पे जाता है 2 पे लेके जाते हैं, 2 3 6 2 7 14 2 5 10 उसके बाद 5 लेके जाते हैं, 5 7 35 5 5 25 उसका फिर तेज ले जाते हैं 5 लेके जाते हैं, 5 का 5 25 है ना, 5 5 25, ठीक है, फिर 5 लेके जाता हूं मैं, 5 3 15 3, तो जो हमारे पास फैक्टर बने हैं क्या बने हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 3 कर देता, ठीक है, तो मेरे पास 3 इंटू 2 5 5 5 ये फैक्टर मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। देखो इसको बनाने के बाद हमें क्या करना है,
हमने इसको तीन छे छे पंज तीस पंज पंज पच्चीस दो फैक्टर बना दिए मैंने पच्चीस और तीस जब इन दोनों पास करें कितना आया हमारे पास फाइव तीन दो पांच फाइव पचपन जा आना कितना चाहिए यहाँ पे 55 कितना होना चाहिए तो चलो हो गया बात बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का कितना कर दिया मैंने माइनस का मान लो 30x कर दिया ठीक है इसका माइनस का 25x कर दिया ठीक है उसके बाद प्लस 750 इक्वल टू 0 इसमें से कॉमन निकालें इसमें से कॉमन निकालें इसमें से कॉमन निकालो क्या निकाला है कॉमन आपने x निकाला कॉमन अंदर क्या रह गया x माइनस 30 रह गया ठीक है यहां पे क्या रहेगा माइनस ठीक है उसके बाद क्या कॉमन निकाला यहां पे 25 कॉमन निकाला x माइनस 30 इक्वल टू 0 इतनी बात समझ आ गई अब क्या करना है आपको सिंपली x माइनस 25 इसको इसको एक में लिखना है और ये दोनों सेम ही है इसको मैं एक में लिखता हूं x माइनस 30 ठीक है अब क्या करना है आपको x माइनस 25 इसको टू 0 कर दो ठीक है और उसके बाद ये वाला भी x माइनस 30 इसको टू 0 x इसको टू 25 x इसको टू 30 ठीक है तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई है दो वैल्यू आई तो दो वैल्यू आई हमारे पास इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो क्लोनी उसने बनाए थे उसने कितने बनाए थे 30 बनाए थे और 30 और 25 बनाए थे ठीक है तो उसी पर्टिकुलर डे जो बनाया था क्लोना जो नंबर ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस थे वो कितने आपके पास 25 एंड 30